नमस्कार, स्वागत है आपका इन बीसीएन की खास पेशकश मुद्दों पर चर्चा इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं रत्नाकर और मेरे साथ में है मनीष। दस्तूर है, मौका है और बात करना बनता भी है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचलों का भूकंप और भूकंप के ऊपर में भूकंप जो होते आ रहे हैं उस पर बातचीत होना लाजमी है। और जहां तक नागरिकों की या महाराष्ट्र में उन मतदाताओं की बात करें तो उनके लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या हो रहा है। हालांकि आज हम सबके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आइए इस पर विश्लेषण करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मनीष से हम जानते हैं कि क्या अब तक की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, क्या क्या घटनाएं घटित हो गई है। मनीष जी बताइए जरा दर्शकों को कि किस तरह से ये जो है घटनाक्रम जो है घटित हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो 3.5 साल में ये तीसरा भूकंप आया है, सियासी भूकंप जिसे कह सकते हैं, और वो भी दिन में या रात में ना आते हुए दोपहर में आया है, जहां की 40 विधायक लेकर और 9 मंत्रियों का कल शपथ विधि हुआ है। और अचंभे की बात यह है कि अजित पवार, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता माने जाते थे और बड़े नेता, काफी स्वामीनिष्ठ नेता भी माने जाते थे अपने चाचा शरद पवार के प्रति, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के बोल सकते हैं देश की सियासी राजनीति में उन्हें चाणक्य का दर्जा दिया जाता है, और कहीं ना कहीं वो आज हतबल है, कहीं ना कहीं वो परेशान है देश की राजनीति में। सबसे बड़ा महाभूकंप, तीसरा महाभूकंप बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बड़े भूकंप का 2024 की सियासत में, 2024 के आगामी चुनाव में फर्क पड़ने वाला है। मरीज बात ने बात बिल्कुल सही कही। हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि जो तीसरा भूकंप आया वो इस तरह से कि अजित पवार ने अपने कुछ साथियों को लेकर जो सरकार बनी है शिंदे फडणवीस सरकार, उसमें उन्होंने शिरकत की है। कल उन्होंने रविवार होने के बावजूद, जैसा कि मनीष हमें बता रहे थे कि ये भूकंप ना सुबह आया ना जो अर्ली मॉर्निंग की हम बात करें तब आया, जबकि ये भूकंप आया है रविवार को दोपहर को, जब सब छुट्टी के अपने माहौल में रहते हैं, जिनके दिमाग में कोई हलचल नहीं होती, पर ऐसे वक्त जो है ये तय किया गया कि अजित पवार अपने कुछ साथियों को लेकर सरकार में शामिल होंगे। और हुआ ऐसा ही, उन्होंने कल दोपहर को महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली अपने कुछ साथियों के साथ में। अब मुद्दा यह है मनीष कि ये हुआ क्यों, कैसे, क्या ये पहले से एक तय शुदा राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत हुआ, या हम एक कहें कि जो एक बुद्धि पट का जो रहता है, शतरंज की जो चाल रही, शतरंज के इस पर जो पासे बिठाए जाते हैं उस पर, अब सवाल यह है कि पासे चला कौन रहा है और इसमें सैनिक कौन है, रानी कौन है, वजीर कौन है और राजा कौन है। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले समय में मिलते रहेंगे, लेकिन आज के दौर में जो भूकंप है इसने उस पूरे शतरंज की चाल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। अगर हम कहें कि लोकशाही में राजा जो होता है वो अगर मतदार होता है, तो आज उस राजा ने चाल तो कुछ और ही चली थी, राजा किसी और को बनाया था, रानी किसी और को बनाया था, लेकिन अब जो है पूरा जो है शतरंज का जो पासा है पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ चुका है जी। और बात की जाए, आज बुद्धिबल का नाम आपने लिया, और बुद्धिबल सियासत की बात करें तो बुद्धिबल से कोई अलग नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जनतंत्र का अपमान, कहीं ना कहीं जनतंत्र की हत्या यहाँ हो चुकी है, और एक छत्री साम्राज्य बनने जा रहा है जो कि लोकतंत्र का और लोकशाही का सबसे बड़ा घातक हम बोल सकते हैं, जनतंत्र को सबसे बड़ी घातक ये चीज़ है, क्योंकि जो संविधान के निर्माता है, लोकशाही के प्रदाता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि एक सशक्त लोकशाही के लिए, सशक्त जनतंत्र के लिए विपक्ष का स्ट्रांग होना आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की परिस्थिति में जो कि शिवसेना का हाल हुआ, उसी राह पर कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस जारी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और विपक्ष की भूमिका होती है कि जनता के सवाल, जनता के प्रश्न सरकार के सामने रखे, लेकिन आज इनके ही प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। और जैसा कि आपने बात किया कि कौन वजीर था आदि, पर कथित तौर पर बोला जाता है कि पटना में जो महागठबंधन की मीटिंग हुई थी, महागठबंधन की सभा हुई थी, उस समय शरद पवार वहां गए थे, शरद पवार ने वहां शिरकत की थी, और कहीं ना कहीं महागठबंधन को सपोर्ट उन्होंने दिखाया था, लेकिन इस बात पर नाराज हुए हैं विधायक, ऐसा कथित तौर पर कहा जाता है। हालांकि पूरा क्लियर स्पष्ट चित्र अभी तक नहीं हो पाया है, और किसके मन में क्या चल रहा है वो कोई भी नहीं बता सकता। इतना बड़ा मनोचिकित्सक राजनीति में भी कोई नहीं हुआ है अभी तक, और राजनीति को समझने के लिए काफी बड़ी बुद्धि चाहिए, और इतनी बुद्धि अभी तक किसी में नहीं है, ऐसा मैं कथित तौर
तौर पर बोल सकता हूँ, क्योंकि एक व्यक्तिगत विचार भी इन विधायकों का हो सकता है, लेकिन कथित तौर पर बोला जाता है कि महागठबंधन की इस मीटिंग में शरद पवार गए थे किसी भी प्रकार की चर्चा ना करते हुए, अपने मतलब बोल सकते हैं कि खुद के ही भाव से वो वहां गए थे, इसमें कहीं ना कहीं नाराज हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं कार्यकारी अध्यक्ष पद प्रफुल्ल पटेल को और सुप्रिया सुले को देने के कारण भी कहीं ना कहीं अजीत पवार के समर्थक यहाँ नाराज हुए हैं। लेकिन मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस बात पर भी आज जो क्वाट आया है, जो बात बोली है शरद पवार ने कि हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और वो अभी प्रीति संगमा पर जो कि यशवंतराव चौहान का समाधि स्थल है, और यशवंतराव चौहान के विचारों से काफी प्रेरित थे, और बोल सकते हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की थी, वहां वो जा चुके हैं और कहीं ना कहीं वहां दर्शन ले रहे हैं, और नए संगठन की निर्मिति का वहां से कहीं ना कहीं नया मुहूर्त वहां से प्रारंभ होने जा रहा है। बिल्कुल, ये हो सकता है, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु भाव रखते हैं शरद पवार जी, इसलिए वो कराड़ गए हैं, और ये एक देखने वाला समय, आने वाला समय हमें बताएगा कि क्या होने वाला है। थोड़ी समीक्षा अगर हम कर ले कि शरद माफ कीजिएगा अजीत पवार का इस संगठन में जाना, फडणवीस और शिंदे सरकार में जाना, तो कुछ घटनाएं पहले ही घटित हुई थी। सबसे पहले जब अजीत पवार ने बैठे के वक्त देवेंद्र फडणवीस के हाथ में शपथ ली थी, तो उसके कुछ दिन पहले उनके ऊपर में कथित घोटाले को लेकर जो आरोप हुए थे उनसे उनको निजात मिल गई थी, पहली घटना वो थी। अब इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ दिनों पहले अपने वक्तव्य में एक जगह भाषण करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी ये कहा था कि एनसीपी या ऐसी पार्टी जिसके ऊपर में 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का भ्रष्टाचार का आरोप आज उन पर है, उनका ये वक्तव्य सरेआम होना। उसके बाद उस घटनाक्रम के तहत कुछ ही दिनों के बाद में अजित पवार का अपने कुछ साथियों के साथ में को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के शिंदे गुट के सरकार में शामिल होना, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दर, या ये भी हो सकता है कि जो एक एक राजनीतिक जो असुरक्षितता की भावना, जो हम कहें असुरक्षितता की भावना, वो कहीं ना कहीं अजित पवार और उनके साथियों के मन में आए, तो उन्होंने एक अपना सत्ता में जाने का ये प्रयास किया गया। ये भी दूसरा एक असंतुष्ट की भावना भी जो है उनके पक्ष के अंतर्गत जो है डेवलपमेंट उसके तहत हो सकती है। जैसे कि उन्होंने पहले कहा था कि मुझे विरोधी पक्ष का नेता बनकर नहीं रहना है, मुझे भी कुछ ऐसे ये चाहिए, ऐसा पद चाहिए कि जिससे मैं कुछ अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकूं। हालांकि उनके इस वक्तव्य के बाद भी कोई भी उसके ऊपर में तवज्जो नहीं दी गई, कोई उसमें ऐसा डेवलपमेंट दिखा नहीं। वही चीजें कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि वह पुढ़चा, मराठी में एक कहावत है, पुढ़चा थे मागचा शहाणा। शिवसेना के फुटीर की हम अगर बात करें तो उस वक्त शिवसेना में भी असंतोष था, शिवसेना में भी कई पदों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर एक असंतोष की भावनाएं थी। वक्त रहते अगर उस पर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज शिवसेना के दो टुकड़े नहीं होते। वहीं शिवसेना का सहचारी पक्ष होने के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी अगर उस पर अध्ययन किया होता तो शायद आज ये दिन नहीं आता। ये दिन राजकीय पक्षों के लिए चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आम जनता, महाराष्ट्र की जनता के लिए ये स्थिति कहीं ना कहीं दुखदायक है। कहीं ना कहीं इन्होंने, हम लोग ने जो मतदार है, मतदाताओं ने जो मतदान किया, उन्होंने जो एक चित्र अपने सामने स्पष्ट रखा, जो बहुमत दिया, आज उस चित्र का पूरी धज्जिया कहीं ना कहीं उड़ती हुई दिख रही है। जैसा कि बोला जा रहा है और कथित तौर पर कहीं ना कहीं चर्चाएं भी उठ रही है कि एकनाथ शिंदे का जो मुख्यमंत्री पद है वो कहीं ना कहीं धोखे में है, ऐसा भी बोला जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में इतना बड़ा महाभूकंप अब आ चुका है जो कि काफी बड़े बड़े सवाल या निशान यहाँ निर्मित कर रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्वामीनिष्ठ नेता बोल सकते हैं, शरद पवार के स्वामीनिष्ठ नेता जो कि छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे, अदिति तटकरे जैसे लोग, जो नव मंत्री पद जिन्हें मिला है, हसन मुश्रीफ जैसे लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार में शामिल होने के कारण कहीं ना कहीं राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप, हम बोल सकते हैं भूकंप की भी उपमा देना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। यह सुनामी है जिस सुनामी में सभी राजकीय पक्ष और राजकीय पक्षों का बुद्धि बल का जो शतरंज का जो सामना है वो कहीं ना कहीं तहस नहस हो चुका है। लेकिन सवाल या निशान यही उपस्थित होता है कि कहीं ना कि देश की, महाराष्ट्र राज्य की राजनीति के बाद एक संदेश, एक सशक्त लोकशाही का सवाल यहां उपस्थित होता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं अब विपक्ष कहीं ना कहीं शून्य के ओर जा चुका है।
दो चीजें हैं इसमें, एक हम महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के चुनाव की हम बात करें या हम देश के चुनाव की बात करें, बातें ये चल रही है कि इसी साल दिसंबर में दोनों चुनाव होने की शक्यता है और केंद्र सरकार भी इसी का प्रयास कर रही है कि दोनों चुनाव जो है विधान सभा के और लोकसभा के दोनों एक साथ हो। उसी दिशा में जो है कदम सभी राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ा रही है। विपक्ष की बात करें, विपक्ष ने एक सोचा समझा कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। 23 जून को समस्त 18 पार्टियों के सारे लोग पटना में मिले, उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध एकजुट होने का दावा किया। लेकिन जब ये अपने क्षेत्र की ओर बढ़े, महाराष्ट्र के जो विरोधी पक्ष है महाराष्ट्र में आए, बाकी ऐसे ही जब जो सभी स्टेट के जो अपने अपने तरफ गए, वहां जाने के बाद में फिर ये जो है कहानी वही के वही नजर आई। और कहीं ना कहीं तो ये हुआ कि विरोधी पक्ष पूरी तरह से, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज विरोधी पक्ष की हालत जो है पूरी तरह से निस्तनाबूत होती थी, या जो हम एकता की बात करें वो एकता कहीं नजर आती दिख नहीं रही है। और इसका परिणाम जो है आने वाले समय में जो है मतदाताओं के ऊपर में भी एक सवाल या निशान खड़ा हो जाएगा कि अब मतदान करे तो किस दिशा में करे। ये जरूरी है कि मतदाताओं ने अब सक्षम होकर, जो हम शतरंज की बात करें तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि लोकशाही में शतरंज का राजा हो, लोकशाही का राजा हो, वो मतदाता होता है। मतदाताओं पर तय करना है कि अब जो हमारे साथ में, जो जनता के साथ में जो भी ये घटनाएं घटित हुई उसका हमारे ऊपर में क्या परिणाम, हमारे डेवलपमेंट के ऊपर में क्या परिणाम होता है, और हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए किसको चुन के देना है, कैसे चुन के देना है, ये जिम्मेदारियां अब लोगों की बढ़ जाती है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ के इन घटनाक्रम को अगर ध्यान में रखें तो ये सवाल खड़ा होता है। कहीं ना कहीं देश की राजनीति में हम और बोल सकते हैं कि धृतराष्ट्र की राजनीति हो रही है, क्योंकि पुत्र मोह के कारण, और कहीं ना कहीं पुत्र मोह के कारण ये जो है, ये किसको पावर देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए ये तय नहीं कर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक कथित तौर पर बाला साहेब ठाकरे पर भी आरोप लगाया गया था, उसके बाद से अभी शरद पवार पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र की राजनीति यहाँ उपस्थित हो रही है, धृतराष्ट्र की राजनीति। लेकिन इस धृतराष्ट्र की राजनीति ने ही महाभारत को भी जन्म दिया था, ये कहीं ना कहीं हम भी नहीं भूल सकते। तो देखते हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में किस प्रकार से इसका बदलाव होता है, और आगामी चुनाव जो कि दिसंबर में होने वाले हैं, विधानसभा लोकसभा के चुनाव जो होने वाले हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जो घटक चुनाव होने वाले हैं महानगर पालिका के बोल सकते हैं, नगर परिषद के, कहीं ना कहीं सवाल या निशान उपस्थित हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ेंगे ऐसा कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गुट महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ने वाले थे, क्योंकि कथित तौर पर कई सालों से राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे। 12.5-14 साल से जो भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका की बात करें तो कहीं यहां सरकार में है, सत्ता में है, उसे हराने का पूरा प्रयास विपक्ष की ओर से किया जाने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं इस भी शतरंज को पूरी तरह से तहस नहस, पूरे षड्यंत्र को, पूरी रणनीति को तहस नहस कर दिया है अजित पवार के इस कदम ने। सही बात है, हमारे पास में वक्त की कमी है, चलते चलते फिर से हम हमारे दर्शकों से, हमारे मतदाताओं से हम एक बार रूबरू ये बात करना चाहेंगे कि देखिए राजनीति में उलट पुलट होती है। हम ये कहते हैं कि जब युवा वर्ग एक बड़ा होता है तो हम उसे कहते हैं कि आप नौकरी करने वालों से अच्छा नौकरी देने वाले बनो। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि राज कराने वालों को चुन के देने से अच्छा राज करने वाले क्यों ना बना जाए। एक ऐसे पीढ़ी का निर्माण होना बहुत जरूरी है कि जो सरकार में शामिल हो, जो राजनीति में शामिल हो, एक बेहतर देश को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। जो आज राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाएं घटित हो रही कहीं ना कहीं आपके और हमारे मन को चुभने वाली है, उस स्थिति से नियंत्रण पाने के लिए एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण होना बहुत जरूरी है, देश का सक्षम नेतृत्व तो कर सके। जो भी इतिहास हुआ है उस इतिहास को बदलने की अब शायद जरूरी है। ये हमें अपने अंदर झांकना है, हमें अपने अंदर देखना है कि इस परिप्रेक्ष्य को हम किस तरह से आने वाले भारत को बेहतर बना सकते हैं, हमारे महाराष्ट्र को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हमारे शहर को अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने एज अ मतदाता, एज अ मतदाता हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते, ऐसी और चर्चा के लिए हम फिर से आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।